हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको सऊदी में कैसे आप अपना कोविड का वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दो एप्लीकेशन है, एक है सेहती एप्लीकेशन, दूसरा है तवक्कलना एप्लीकेशन। ये दो एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए अगर आपको अपने कोविड का वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आप सेहती ऐप में अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज आ रहा होगा कि प्लीज़ मेक श्योर टू एनेबल लोकेशन सर्विस। अब आप अपने मोबाइल में चेक कर रहे होंगे कि भाई लोकेशन सर्विस तो ऑन ही है, तभी भी नहीं आ रहा है। काफ़ी दिनों से मैं भी ट्राई कर रहा था, यही ऑप्शन आ रहा है। तब आप क्या करेंगे, आप तवक्कलना एप्लीकेशन खोलेंगे और तवक्कलना एप्लीकेशन में कोविड वैक्सीनेशन का ऑप्शन है, उसमें भी ऑप्शन है। तो आप तवक्कलना एप्लीकेशन खोल लीजिएगा, उसके लेफ्ट कॉर्नर साइड में, ओके, लेफ्ट कॉर्नर साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा कोविड 19 वैक्सीन, इसको क्लिक कीजिएगा आप। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको क्रॉनिकल डिजीज है नहीं है, यस या नो करना रहेगा उसमें। नो 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 करेंगे आप अगर आपको नहीं है, अगर है तो यस कीजिएगा। फिर आप जैसे ही उसको कंप्लीट सबमिशन कर देंगे तो आपके स्क्रीन में सारे लैब्स आ जाएंगे, मेडिकल्स आ जाएंगे जो जो आपके नियर बाय, कौन सा भी कोई सा भी लैब में आप अपना क्लिक कीजिए उसको। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, डेट्स, ओके, कौन सा डेट में आपको सिलेक्ट करना है, वही डेट दिखाएगा जो अवेलेबल है। उस डेट को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टाइमिंग, बहुत सारे टाइमिंग होंगे, ठीक है, कोई सा भी टाइमिंग आप सेलेक्ट कर दीजिए। अगर अवेलेबल होगा तो आपको बताएगा कि कंफर्म करना है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है या नहीं लेना है। अगर से अपॉइंटमेंट उस टाइम का अवेलेबल नहीं होगा तो बोलेगा कि डेट नॉट अवेलेबल, या फिर कुछ मैसेज पॉप अप होगा, तो आप अपना दूसरा टाइमिंग देख लीजिए। अगर उस दिन भी नहीं है तो नेक्स्ट अवेलेबल डेट में चेक कीजिए, बाकी हॉस्पिटल में चेक कीजिए, उस हिसाब से आपको तवक्कलना एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैंने अपने लिए भी तवक्कलना एप्लीकेशन से ही वैक्सीन का अपॉइंटमेंट लिया है, कल का लिया है, 25 अप्रैल का लिया है, ओके, सुबह का मुझे मिला है। तो मैं भी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, और कई लोग, जब मैंने पिछला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था जिसमें बताया था कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, तो उस समय मैंने सेहती ऐप का बताया था। लेकिन अब सेहती ऐप में जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि वो लोकेशन सर्विस का इशू आ रहा है, तो आप भी तवक्कलना में ट्राई कीजिए, क्या पता आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाए। आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा लेकिन फर्स्ट डोज का ही मिलेगा, ओके, सेकेंड डोज का डेट डिक्लेयर नहीं करेगा उसमें। पहले क्या होता था, सेकेंड डोज का भी डेट उसमें लिखा हुआ रहता था, अब सिर्फ फर्स्ट डोज का ही डेट लिखा होगा, फाइन। अब आपने तवक्कलना से तो अपॉइंटमेंट ले लिया है, अब आप क्या करेंगे, अपने सेहती एप्लीकेशन को खोलेंगे और देखेंगे, रिवैलिडेट कर सकते हैं कि सेहती एप्लीकेशन में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। आप अपना सेहती एप्लीकेशन खोल लीजिएगा और होम स्क्रीन में जाइए, इसके बाद उसके बाजू में ही एक ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। बाजू में एक ऑप्शन होगा अपॉइंटमेंट का, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपका नाम, इकामा नंबर, और राइट हैंड साइड में होगा व्यू अपॉइंटमेंट्स, ओके, व्यू अपॉइंटमेंट्स। अगर आपने अपॉइंटमेंट आपका ऑलरेडी हो गया है तवक्कलना में तो यहाँ पे व्यू अपॉइंटमेंट देगा, नहीं तो आपको लिखा रहेगा व्यू / कुछ होगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस तरह का। आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन होगा कि भाई वैक्सीन अपॉइंटमेंट आपको देखना है नहीं देखना है, ऐसे इस तरह का स्क्रीन होगा, ओके। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपॉइंटमेंट होगा जिसमें आपका नाम होगा, आपका सेंटर होगा जहाँ आपको वैक्सीन लेना है, कौन से दिन में लेना है, डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, और एक QR कोड होगा, ओके, वो QR कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जाएंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपना मोबाइल चार्ज करके ले जाएं, ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे और मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि वो उसी को स्कैन करेंगे जैसा मुझे लगता है। अब मैं जब कल जाऊँगा वैक्सीन लेने के लिए तो आपको बताऊँगा कि क्या क्या सिनारियो है, कौन सा वैक्सीन दिया गया है, क्योंकि अभी वैक्सीन का तो डिटेल यहाँ पर बताया नहीं है कि कौन सा वैक्सीन वो देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा वैक्सीन है, सेकेंड डोजेस का डेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट पॉपअप हो रहा है नहीं हो रहा है, ओके। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि वैक्सीन लूँ ना लूँ, बहुत सारे न्यूज़ में रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न को साइड में रखिए और जाके वैक्सीन लीजिए।
सऊदी में टोटल पॉपुलेशन अराउंड 35.3 मिलियन है, जिसमें से 7 मिलियन लोग ऑलरेडी मोर देन 7 मिलियन लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। कहीं से ऐसा न्यूज़ नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ है। तो आप भी जाके लीजिए, वैक्सीन लेंगे तो इम्यून हो जाएंगे। ओके, बाद में आपको कोविड का एक डर तो नहीं रहेगा कि भाई मुझे कोविड हो सकता है, और आपको अगर कोविड होगा तो बाकी को भी होगा, तो ये चेन ब्रेक हो जाएगा। मैं भी कल लेने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेने रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है, मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ताकि अगर मुझे पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, नहीं पता होगा तो सेहती कस्टमर केयर से पूछ के आप लोगों को बताऊँगा, आप खुद भी पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, कल आप लोगों को अपडेट करता हूँ वैक्सीन लेने के बाद। थैंक यू वेरी मच।